सरकारां खिलाफ लतीफपुर वासियां दे वल्लों कल हल्ला बोलिया जाएगा की है कल दी रणनीति। सो इत्थे रहण वाला एक छोटा जिहा बच्चा जिसका इत्थे घर सी। हैलो बेटा, की नाम है तुहाडा? क्या नाम है? इत्थे रहिंदे सी? घर कित्थे गया हुण? टुट गया। किद्दां? है करेन ना? किने तोड़िया? सरकार ने तोड़िया। हुण कित्थे रहिंदे हो? तंबू। कित्थे? तंबू च रहिंदे हो। औख नहीं हुंदी राती? ठंड लगदी? लगदी है ठंड। सो मैम, छोटा बच्चा देख लो, काफी मुश्किलों दे विच है, परिवार भी तुहाडा, ते कल दे लई की जिहड़ी है रणनीति तुहाडे वल्लों तैयार कीती गई है लतीफपुर वासियां दे वल्लों? कल दा सर इही है कि साढ़े दस बजे रैली होगी इत्थों जी, ते आपां सारे लोकां नूं इही अपील करांगे कि साडा साथ देण वास्ते ध्यान ते साडे लिए आवाज उठान सरकार नूं कि साडे घर इत्थे बना दे। मैम, केंद्रीय मंत्री भी हुणे थोड़ी देर पहला पहुंचे, बहुत सारे अकाली लीडर भी पहुंचे सन, कांग्रेसी लीडर भी पहुंचे सन, ते तुहानू उम्मीद है कि वह जिहड़ा किसी तरह का हल निकलेगा, क्योंकि हरेक बंदा आके चलो राजनीति तो हो ही रही है जो भी। लेकिन सर हुण मैनूं लगदा है कि शायद साडे वास्ते जिहड़ी अगर किसी विच भी इंसानियत होएगी, चाहे वह किसी भी सरकार दे कोई भी मतलब पार्टी आ, चाहे वह मोदी साहब ने या कोई भी ने जी, ते मैनूं पूरी उम्मीद है कि जिहड़े साडे वास्ते इंसानियत रखदे होणगे उह साडे घर इत्थे जरूर बनवा के देणगे। बिल्कुल। ते जिहड़ा कल किस तरह का प्रदर्शन होवेगा, किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे तक जिहड़ा है तुहाडे वल्लों प्रदर्शन किया जाएगा? हजे मैनूं सिर्फ इन्ना ही पता है कि 10:30-11 बजे इत्थों रैली स्टार्ट होएगी ते पूरे जलंधर दे विच रोस मार्च कढ़िया जाएगा। पर मैम, सरकारां वल्लों कहा जा रहा कि फ्लैट जिहड़े दित्ते जा रहे ने? नहीं सर, इत्थे इदां है कि फ्लैट वो दे रहे ने कि फ्लैट लै लो 2 BHK दे रहे पए आ, पर साढ़े 23-23 महल्ले के घर तोड़े गए ने, ते आपां 2 BHK च किदां रह सकते हैं? दो कमरे से साडा गुजारा नहीं हो सकता। साडे इन्ने वड्डे घर सीगे जिहड़े तोड़न लग्या, सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचिया, ते हुण आई आपां अपील करदे आ कि वह साडे घर इत्थे ही बना के दे। किन्ने मरले दा मकान सी इत्थे तुहाडा जिहड़ा सी? साडा 23-24 महल्ले दा सी। ते कदी जदों विआह होया सी सोचा सी कोई इहो जिहा वी दिन देखना पवेगा, क्योंकि हरेक माँ पे सोचदा है कि बच्ची लई वधिया घर होवे जिहड़ा अगे वी जिहड़ा जिथे जाणा है। देखो, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की थी, घर बार देख के सब कुछ देख के माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं, पर अपा मैं खुद भी नहीं इस तरह कदे सोचा सी कि अज अपा जिंदगी विच इन्ने अगे वध चुके हैं, ते इन्नी कि अज कोई सुपने च भी नहीं सोच सकता कि कोई इन्ने वड्डे कोठियां कोई इस तरह ढा सकता है। ते सरकार नूं ढाण तों पहला सोचना चाहिदा सी कि उह की कर रहे ने। बिल्कुल। बच्चा तुहाडा स्कूल भी जांदा है? बिल्कुल। ध्यान एक पासे जांदा है कि स्कूल बच्चा भेजना है या फिर घर तैयार करना है? बिल्कुल सर, मैनूं बड़ा अपने आप से सोच के इदां हुंदा है कि मेरी बेटी का साल ना खराब हो जाए, ते मैं अपनी मीडिया राही ये भी अपील करांगी कि अगर कोई भी स्कूल अच्छा स्कूल है, मैं सोचा सी मैं इनोसेंट पावांगी, बट हुण मैनूं नहीं पता इहदी एडमिशन कदों हो पाएगी, ते मैं सिर्फ यही कहना चाहवांगी कि मेरे छोटे जे बच्चे की एडमिशन जिहड़ी है कोई भी अच्छे स्कूल वाले नूं रख लैण, अजे असीं मजबूर बड़े हाँ कि अजे साडे कोई घर नहीं हैगा, ते इहदी इक सीट रख लैण बस, ताकि मेरी बेटी का एक साल ना खराब हो। बिल्कुल मैम, जिहड़े टेंट लगे हुए ने, चलो खालसा एड वालों ने या यूनाइटेड सिक्स वालों भी मदद की जा रही है, बहुत सारे NGOs भी अगे आ रहे हैं, पर इत्थे रहना मुश्किल ही एक तरह एडजस्ट करने वाली ही गल है। हाँ जी, खालसा एड वालों टेंट लाए गए ने, आपां इन्हां विच ही रहने हैं, ते इत्थे मतलब बहुत ज़्यादा रात को ठंड होंदी है, रहना बहुत मुश्किल है, पर साडे कोई होर ऑप्शन नहीं हैगी, पर ये भी इन्हां दा थैंक्स है कि इन्होंने साडे वास्ते टेंट लाए आ, किसान जथेबंदियां साडे वास्ते लंगर लांदियां ने, साडे वास्ते आवाज़ उठांदियां, उन्हां दा बहुत थैंक्स है कि वो साडे नाल। खाण पीन दा किवें एडजस्ट हुंदा है? खाण पीन दा ही है कि हुण इत्थे खालसा एड वल्लों मतलब लंगर दा समान लिया के दिता जांदा है, ते आपां सारे जाणे जिदा प्रसादा सब्जियां वो आपां मिल के करदे हां।
बिल्कुल तुहानू उम्मीद है कि इतने घर जिहड़े ने दोबारा एक बार फिर तैयार हो जाएंगे? हाँ जी थोड़ी जी उम्मीद ते है जी। बिल्कुल बेटा स्कूल जाने हो तुसी? केड़े स्कूल जाने हो? हैं मछली वाली पोएम सुना दो। उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डल डल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जी बिल्कुल। सो तुसी देख सकते हो ये घर जिहड़े ने फिलहाल लतीफपुरे इलाके दे ढा दिते गए ने, ते परिवारां वल्लों कल जिहड़ा है इत्थे प्रदर्शन किया जाएगा। सो उन्हां वल्लों कहा जा रहा है कि इत्थे ही उन्हां नूं मकान चाहिए ने। 23 मरले का एक मकान सीगा जो कि जिवें कि इन्हां दा कहना है। सो इन्हां घरां दे विच हुण इन्हां जिहड़े खालसा एड वल्लों जिहड़े टेंट लगाए गए ने इन्हां दे विच ही रहन नूं परिवार मजबूर ने। बहुत सारी किसान यूनियन जिहड़ी इन्हां दे हक दे विच इत्थे धरना दे रहियां ने। सो यूनाइटेड स्टेट्स वल्लों भी इत्थे जिहड़े लंगर लगातार जारी ने। सो ये टेंट ने खालसा एड दे जिस दे विच कई तरह का प्रबंध किया गया है, पर समान रखन नूं हजे भी दिक्कत आ रही है। चलो रात बंदा इत्थे ठंड दे विच मजबूरी च कट रहा है, पर एक जड़ी छत सी वह फिलहाल इन्ह दे नहीं है। सो ये लतीफपुरे इलाके दिया हुण दिया तस्वीर ने। सो खालसा एड वालों ये जड़े वाशरूम का भी प्रबंध किया गया है। ये इलाका है जी लतीफपुरे का जो कि फिलहाल तहस नहस होया पिया है। घरां दा समान हजे भी उत्थे ही बिखरिया होया है, तो खुले दे विच ही लोग इत्थे रह रहे ने। तो इत्थे ही जिहड़ा है ओपन दे विच ही अपना कपड़े वगैरह टंग के सुकांदे ने जिहड़ा घरां दे विच ओह रह रहे सन। किसानी झंडे भी उपर ही झूल रहे ने, नाल दी नाल निशान साहिब भी जिहड़ा है इत्थे लगा दिता गया है। सो इत्थे एक NGOs दे वल्लों पहल भी कीती गई है क्योंकि पशुओं के लिए भी रहन सहन नूं औखा हो रहा है। उन्होंने रहन सहन के लिए इत्थे एक शैड लगा दी गई है। सो हुण ये देखना होगा कि सरकारां दा जिवें कहना है कि उन्होंने घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि लोग उत्थे जाते हैं या फिर कल दे प्रोटेस्ट तो बाद कुछ जो भी अपडेट होगा वह भी तुहाडे नाल सांझी करांगे। हरेक तरह की अपडेट खबर के लिए तुसीं देखते रहो हॉट न्यूज़ इंडिया।